एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, अगर पीएनबी बैंक में खाता है तो जल्द से जल्द 31 अगस्त तक से पहले पहले ये काम है वो करा ले, नहीं तो बैंक है वो बंद कर देगा लेन देन। जी हाँ, इस खबर को सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। नमस्कार, मैं LBNES डिजिटल टीवी से। देश के सरकारी बैंक ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, 31 अगस्त के बाद में आप धन नहीं ले सकते। अगर आप भी सरकारी बैंक में खाता है जहां पीएनबी ग्राहकों को एक नोटिस है वो भेजा गया है। पीएनबी ने देश भर में करोड़ों ग्राहक हैं। बैंक ने कहा है कि अब तक किसी भी ग्राहक ने अपने KYC विवरणों को अपडेट नहीं किया है। बैंक उन सभी को नोटिस है वो भेज रहा है। पीएनबी ने बताया है कि समय भी घोषित किया गया था, आपको इस काम को 31 अगस्त 2023 तक पूरा करना है। अगर कोई ग्राहक इसे तय तारीख तक नहीं पूरा करेगा तो जो बैंक है वो लेन देन है वो बंद कर देगा। 2 अगस्त 2023 को नेशनल बैंक ने कहा है कि बैंक सभी ग्राहकों को जिनके एड्रेस अपडेट नहीं है उनके रजिस्टर एड्रेस पर नोटिस है वो भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्हें है जो नंबर पर है वो मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को 31 अगस्त 2023 से पहले RBI मानकों के अनुसार अपनी ABIC इंफॉर्मेशन को अपडेट करने को कहा है। RBI ने कहा है कि सभी ग्राहकों को अपना जो है KYC अपडेट करना चाहिए। 31 अगस्त तक अपने जो KYC को अपडेट नहीं किया तो आप बैंक में जाकर ये काम करवा सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर भी जो है अपडेट है वो कर सकते हैं। ग्राहकों को KYC डिटेल कराने के लिए पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको बैंक में खुद ही घोषणा करनी होगी अगर इन वर्णों में कोई भी बदलाव नहीं है। जी हाँ, तो ये बड़ी जो अगर आप इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का कहना है कि जल्द से जल्द है KYC जो है अपडेट करवा ले, नहीं तो जो बैंक है वो आपका बंद कर देगा लेन देन। 31 अगस्त से पहले पहले ही आपको ये सब करना होगा, नहीं तो उसके बाद जो बैंक है वो आपका लेन देन है वो बिल्कुल है वो बंद कर देगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी अपने राय ज़रूर लिखें और तमाम अपडेट के साथ बने रहें NES डिजिटल टीवी के साथ।